खबर जनपद पौड़ी से है, जहां राजकीय इंटर कॉलेज बीलखेत में प्रभारी प्रधानाचार्य और स्कूल टीचर के बीच हुई आपसी बहस पर अब अभिभावक संघ ने प्रभारी प्रधानाचार्य और स्कूल टीचर के ट्रांसफर की मांग उठाई है। अभिभावक संघ का कहना है कि बढ़ते विवाद के कारण शिक्षा का माहौल खराब हो रहा है, जिसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग की है कि स्कूल में स्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाए और विवाद बढ़ा रहे प्रभारी प्रधानाचार्य और स्कूल टीचर का ट्रांसफर उनके स्कूल से किसी दूसरे विद्यालय में किया जाए। वहीं इस पूरे मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी नागेंद्र रनियाल ने बताया कि जाँच रिपोर्ट उपलब्ध हो गई है, जिसे निदेशालय कार्रवाई के लिए भेजा गया है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। प्रिंसिपल की अस्थायी नियुक्ति होनी चाहिए यहाँ पे, और बच्चों का पढ़ना पढ़ना ठीक होना चाहिए, और जो यहाँ पे गुड़बाजी वाले टीचर हैं उनके यहाँ से तबादला होना चाहिए। पहले तो पूरा स्टाफ चेंज होना चाहिए यहाँ से, नहीं तो स्टाफ चेंज हो जाएगा तो दूसरा स्टाफ आएगा तो ठीक ठाक पढ़ाएगी। और हमें चाहते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ से पढ़ के गए वैसे हमारे बहुत से ठीक ठाक रहे। अब ये मामला टीचरों का आपसी मतभेद का मामला है, बाकी और कुछ तो इसमें है नहीं, लेकिन बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है उनकी। और अभिभावक संघ, पूरा अभिभावक संघ ये चाहता है कि इस मामले में जितने भी टीचर आ रहे हैं, सबको नहीं कहेंगे हम, सब कुछ अच्छे टीचर भी हैं इसमें, हम सबको ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन जो दो चार टीचरों के इसमें नाम आ रहे हैं उनको यहाँ से बाहर किया जाए, उनका तबादला किया जाए, और साथ में हमको फुल फ्लैश बाहर का प्रिंसिपल चाहिए, ताकि स्कूल की स्थिति काफी अच्छी हो सके। ये जो है द्वारिखाल का मामला नहीं है, ये कलजीखाल का मामला है। बिलखेत स्कूल है हमारे पास, वहां पर हमने खंड शिक्षा अधिकारी द्वारिखाल और प्रधानाचार्य लैंसडाउन बालिका इंटरप्राइज को जांच अधिकारी बनाया था, दोनों को, दोनों की रिपोर्ट आ गई है, और ये रिपोर्ट आज हम जो है निदेशक महोदय को भेज रहे हैं।